गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आप सब लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। तो यार आज मैं आया हूँ मोहम्मदपुर, जो सादकाबाद की तहसील है। सादकाबाद की तहसील है, तो यहाँ पर मेरे कुछ कज़न्स रहते हैं, तो उनका यहाँ पर रकबा भी है। आज आप सब लोगों को उनका रकबा भी दिखाएँगे। उन्होंने सोलर वाला ट्यूबवेल लगाए हैं, उस तरह का हम भी लगाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं आप सब लोगों को अपने कज़न से मिलवाता हूँ, फिर उनके रकबे भी चलते हैं। तो ये हैं यार मेरे कज़न महमूदियात, तो ये मेरे मामू का बेटा, सगे मामू का बेटा। तो अभी इनके रकबे यहाँ पर कितना एकड़ का रकबा है? यहाँ पे 50 एकड़ है। 50 एकड़ का इनका रकबा है, जिसपे इन्होंने 2 ट्यूबवेल लगाए हैं। तो अभी हम इनके रकबे पर जा रहे हैं, और आज मैं इसलिए भी आया था तो कि मेरे दादा थे तो वो वफात पा चुके हैं, उनका आज कुल थे, तो अभी मैं उधर आया था। तो अभी इनके रकबे पे चलते हैं, कुल हो गए हैं सब कुछ, तो अभी इनके रकबे में जा रहे हैं हम, और आप सब लोगों को रकबा इनका दिखाते हैं। तो आप लोग यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं महमूदियात के रकबे पर। उनका फार्म हाउस भी सबको दिखाते हैं। इन्होंने भी काफ़ी सारे जानवर रखे हुए हैं और हमने तो रखे हुए हैं थोड़े हैं वो। तो यहाँ इन्होंने यहाँ पर ये लगाए हुए हैं सोलर की प्लेट। कितनी प्लेट हैं ये? 75 प्लेट्स। 75 प्लेट्स कितने वाट वाली? 585 वाली वाट वाली इन्होंने बड़ी प्लेटें लगाई हुई हैं। और कितना ट्यूबवेल है? 2 टर्बाइन है 6 इंच की। 2 टर्बाइन इन्होंने लगाई हुई हैं, 6 इंच वाली, 12 इंच की। और ये उसकी मोटर लग रही है, और कुछ नहर में भी छोड़ा हुआ पानी सुराख करके उधर से भी दूसरी ज़मीन में डाल देते। और ये माशाल्लाह से सारी इनकी ज़मीन, सारी आप लोगों की ना? हाँ जी, ये सारी इन की ज़मीन है। ये गन्ना लगा हुआ है, ज़्यादातर गन्ना लगाते हैं यहाँ पर ये लोग। कितने एकड़ गन्ना लगाते हैं? 35 एकड़ गन्ना। 35 एकड़ गन्ना, बाकी 10 एकड़ गंदम 10 एकड़ गंदम और चावल लगाते हैं, और बाकी 35 एकड़ 35 एकड़ जानवरों का घास भी लगाते हैं। जानवरों का घास वगैरह भी लगाते हैं। तो अंदर से आप लोगों को सारा रकबा दिखाते हैं, फार्म हाउस जो अंदर जानवर वगैरह रखे हुए हैं। तो यार ये देखो, ये लगा हुआ है, ट्यूबवेल का पानी जा रहा है दूसरी ज़मीन के अंदर। पानी कितना साफ सुथरा दूसरी ज़मीन में जा रहा है, उनकी अपनी जो ज़मीन है। ये इन्होंने एक अलहदा से कमरा बनाया है ताकि रात को देखभाल के लिए जो प्लेटें सामने पड़ी हैं उसकी राखी कर सकें, देख सकें कोई चोर शोर ना आके ले जाए। चोरी का खतरा होता है, महंगी है, लेकिन हम 40-50 लाख रुपये लग चुके हैं इनके सोलर प्लेट पे खाली। बाकी बोर वगैरह इनके पहले हुए थे, तो इनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से इन्होंने सोलर पे अब कन्वर्ट कर लिया। सो गाइस इनका ये छोटा फार्म छोटा है, लेकिन जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत प्यारे प्यारे से जानवर रखे हुए इन्होंने, और एक कुत्ता भी रखा हुआ है छोटा सा। ये देखो ये बकरियाँ, छोटी छोटे बच्चे हैं बकरियाँ, कितने क्यूट से हैं। ये कुत्ते रखे हुए हैं इन्होंने, एक ही कुत्ता है, ये भी कोई नस्ली है। बकरे कितने रखे हुए? 5-6 बकरे। 5-6 बकरे रखे हुए इन्होंने, और 10 बकरियाँ 10 बकरियां रखी हुई हैं, और दो तीन बकरियां ना हमारे नौकरों की भी हैं, जो इधर रहते हैं ना डेरे पे रहते हैं, उनकी है। इन्होंने 16-17 जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंसे भी हैं, और बहुत अच्छा माहौल है। एक कुत्ता भी रखा हुआ है। आप सब लोगों को अंदर से वो ट्यूबवेल दिखाते हैं जो पानी बढ़ जा। तो ये यार है सोलर वाला टर्बाइन लगी हुई है, तो ये इनका फार्म है सारा। हम लोगों से बड़े
अगर आप सब ने नहीं देखा तो आप सब मेरे चैनल को दोबारा से देख लें। वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ, दूसरा व्लॉग है फार्म का। तो ये सारा यार इनका फार्म हाउस है, आप चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बना हुआ है जैसा होता है फार्म। आप सब लोग को यार एक छोटा एक कमरा बनाया हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। ये अंदर से छोटी से छोटा सा दरवाज़ा बनाया हुआ है इसका इन्होंने, और ये छोटा सा कमरा है। यहाँ पर मुलाजिम सोते हैं ताकि इधर से सामने नज़र रख सकें, कोई आए आए तो उसको देख सकें। ये रखा है में इन्होंने इन्वर्टर सोलर वाला के, इस पे चलते हैं दो ट्यूबवेल चलते हैं। अगर एक सोलर जब धूप कम हो जाती है तो फिर इन दोनों को इकट्ठा करके फिर एक ही ट्यूबवेल पे चला देते हैं। बिजली पे भी चल जाता है लेकिन वो बहुत कम चलाते हैं, वो तो बस स्पेयर रखा हुआ है एक्स्ट्रा। ये वाला कमरा इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ही बनवाया है। कितने प्यारे प्यारे जानवर रखे हुए हैं। ये शेड भी बनाया हुआ है इन्होंने अंदर से, ताकि सर्दियों में मेरे ख्याल से अंदर कर देते हैं या रात के टाइम। ये इनका बहुत प्यारा सा सेटअप बना हुआ है बकरियों का लहदा है। ये भी बकरियां खोली हुई हैं, वरना इनका वो जो सामने आपको दिख रहा है जंगले से बने उधर इन्हें रखते हैं। बाकी सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है। गाइस ये वाली सारी ज़मीन इनकी है, ये सोलर प्लेट वाली भी आग लग गई थी। अच्छा ये यार इनका दूसरा टेबल लगा हुआ है, एक तो मैंने आपको उधर दूसरी साइड पे दिखाया, वो थोड़ी सी दूर ज़मीन है। और ये वाली जो है ये भी इनकी ज़मीन है, और इधर भी गन्ना लगा है, वो गन्ना अपना ही ना, वो वाला भी गन्ना अपना ही लगा हुआ है। और यहाँ पर भी गन्ना लग रहा है, और यहाँ पर कुछ महीनों पहले गन्ने को आग भी लगी थी जिसमें 4-5 एकड़ जल गया था। तो बस बचत होगी वरना सारा जल जाता, बहुत नुकसान हो जाता है। कितने तक का नुकसान हो जाता? 15 लाख का नुकसान हो जाता, 12-15 लाख का नुकसान हो ही जाना था तकरीबन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बचत हो गई है। ये सारी तीन की ज़मीन है, कितने एकड़ है सारी वाली? सारी मुझे अंदाजा तो नहीं है कितने, 20 एकड़ इस साइड पे है, 20 एकड़ इस साइड पे है। और वो जो पीछे आपको मैं थोड़ा जूम करता हूँ टिब्बे नज़र आ रहे हैं, वो भी अपनी ज़मीन है इनकी। वो कितनी है? गैर आबाद ज़मीन है, सब भाइयों की मिला। अच्छा अच्छा, तीन भाइयों की। हाँ जी सही, वो भी गैर आबाद है। और वो कितनी है गैर आबाद? हाँ उसका मुझे पता नहीं है ना, कन्फर्म नहीं है। सही, तो यार अभी हम फिर चलते हैं आगे और आपको और दिखाते हैं। तो ये सारा इनका रकबा है, और आगे से हमने आपको दिखा दिया है कि फॉर्म भी दिखा दिया। और तो गाइस ये वाला पेट्रोल पंप है, ये भी हम लोगों का है। मेरे जो दादा फोत हो चुके हैं, मतलब कि मेरे सगे दादा ही थे, लेकिन मेरे दादा की बहन के जो शोर थे वो दादा ही थे। ये उनका पेट्रोल पंप है, खान ब्रदर पेट्रोलियम के नाम। तो ये हमारा ही पेट्रोल पंप है, आगे इनकी मस्जिद है, और बाकी पीछे से आपको नज़ारा दिखाते हैं। पीछे वाली ज़मीन इनकी है ना, और यहाँ बैठने की जगह भी बनाया हुआ है माहौल, और पीछे से इनकी ज़मीन है।
गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पर, ये इनका घर है, ये इनकी गाड़ी खड़ी है। अभी हम आए हैं बाज़ार, तो आप लोगों को बाज़ार भी थोड़ा सा दिखाते हैं। अभी हम सब्ज़ी लेने आए हैं, तो अभी यार थोड़ा सा ब्लॉग करके और फिर आज के ब्लॉग का एंड करते हैं और फिर कल इंशाल्लाह नया ब्लॉग। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं, सब्ज़ी हमने कोई ली नहीं, हमें पसंद ही नहीं आई, ये खास थी। तो यार आज का व्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय कह दो इन्हें सबको, इनसे कहो कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से।